गाइस हमारा काका घर वापस आ चुका है, अब हम इसको जो है ना वो फाइनली देख लो, बस क्यूट क्यूट सा बना हुआ है। चलो क्यूट क्यूट के चक्कर में हम इसको जो हेलो हेलो YouTube फैमिली, वेलकम, चल वापस वापस। ऑलरेडी ये देखे ना, कह रहा फातिमा ने नशा वशा तो नहीं किया, वो पीपू के तरह रखी हुई। Hello YouTube family, welcome back to Cuddle House. तो अब से हमारे vlogs का intro जो है वो एक special बंदे हमारे चिट्टू सिंह के साथ, जो कि किचू सिंह है, इसके साथ हुआ करेगा। ठीक है, आम मामूली तो इंट्रो हम कर नहीं सकते हैं। हुआ ये है कि जा रहे हैं हम अपने कुछ कुल्हाड़ों को सही करवाने के लिए। मामा कुल्हाड़े जैसे दांत होते हैं ना, ये क्यों कहते हैं? मामा जो है वो उनको हम साथ लेके जा रहे हैं, अकेले तो जा नहीं सकते हैं। ये हमारी माता श्री बैठी हैं तैयार होके, सुबह सुबह इन्होंने मुझे भी जगाया, खुद भी उठ गई हैं कि जाना है और आज काम करवा लेना है अपना। मामा इनको दांतों को कुल्हाड़े जैसे दांत क्यों कहते हैं? ऐसा लग रहा है सर्दियों की सुबह है, पीछे धुंध और अंधेरा लग रहा है ना। मतलब आजकल का मौसम समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, स्मोक चल रही कि फोग चल रही कि बीमारियां चल रही है ना, बीमारियां चल रही है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। अकेले जाएंगे मामा, किसी और ने नहीं साथ जाना हमारे। इतनी आवाजें दे रही हूँ, सुबह 9 बजे का डॉक्टर का टाइम था और 10:30 हो गए। हाँ बस, कोई साथ नहीं जाता हमारे, कोई साथ नहीं जाता। मैं और मामा अकेले जाएंगे, आज पार्टी करेंगे, डेट पे जाएंगे। ठीक है मामा, आज हम लोग जो है ना वो गर्ल्स डेट करेंगे। सही है, तेज हो रहे हो है। ठीक है आमना को आपने आखिरी दफा आवाज मारनी है, पूछना है। कोई आमना जाना है तुमने? नहीं। ठीक है मामा, आज इनके साथ जो है ना वो हम फिर कुछ खतरनाक करेंगे। हम अकेले जो है ना वो नारायण का गान निकल जाएंगे और इनको नहीं पूछेंगे। सही है, दांतों का काम करवा के। कैसा लगा मेरा मजाक? अभी जो दांतों का काम करवाना है ना, उसके बाद की सूरत हाल मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, देख देंगे क्या बनता है आगे। मामा जो है वो निकल गई है बाहर और हमारा वेट कर रही है। हम भी जो है वो फटाफट चलते हैं, डॉक्टर साहब से मिलते हैं और अपना इलाज इलाज करवाते हैं। इतना बुरा मौसम है ना, कोई बंदा क्या कहे, बंदा क्या कहे, बंदा बस बीमार हो जाए। सारे बीमार है, मैं भी बीमार हूँ। मामा गाड़ी मोड़ ले फिर बैठते हैं। सिंगल हैंडेड ये लेडी जो है ना वो गाड़ी चला रही है। मुझे इतना डर लगता है ना ये सिंगल हैंडेडनेस से, मतलब अल्लाह ने दो हाथ दिए हैं, एक मोबाइल पे लगा लो, दूसरा स्टेयरिंग पे रख लो, ये कोई तरीका है? बैठे। A few moments later. मामा कैसा लग रहा है आपको अपना बचपन का गाना सुन के? तुम्हें यहाँ आई उतार दो। मामा के ना बचपन का गाना है ये, तू ना जा मेरे बादशाह, मैंने सुना था टिकटॉक पे और मैंने जो है वो लगा लिया। मुझे इतना पसंद आया ये गाना, बास पुराने गाने आपको इतने पसंद आते हैं, वो आज के जमाने के जो गाने हैं ना, ये वो पता नहीं क्या गंद बनता है आजकल तो। मुझे लगता है जो पुराने गाने थे वो वाकई ओल्ड इज गोल्ड था। मामा आपको तू ना जा मेरे बादशाह की मूवी अच्छी लगती थी? हाँ बड़ी अच्छी थी, और जिस वक्त मैं वो सुनी हुई है ना, बड़ी छोटी सी उम्र में, तो वो उस वक्त चीजें और भी अच्छी लगती थी। तो जब आपने ये क्या बकवास लगा ली? नहीं वैसे बंदा जब पुरानी चीजें सुनता है ना तो वो नॉस्टैल्जिया हो जाता है बंदे को, बंदा वहां का वहां ही निकल जाता है। देखते हैं जनाब, अभी तक जो है ना वो हम अपने डेंटिस्ट के पास नहीं पहुंचे। आज मामा ने कुल्हाड़े से जो है ना वो मेरे दांत निकलवा दे, आरी से ना मामा ने मेरे दांत निकलवा देने। उन्होंने कहना है इसके दांतों को ना मुक्की मारो और निकाल दो, आज खत्म करो, किस्सा ही खत्म करो, ये बार बार जान खाती क्यों है। ठीक है 2000 years later. नीचे के दांत बिल्कुल महसूस नहीं हो रहे हैं और मैं टोटली होके बोल रही हूँ। इनका निकलवा देने थे सारे, इनका कसूर है, इन्होंने मुसीबत थी बहुत। मैंने रो रो के बुरा हशर हो गया। मैं कहता पता नहीं कौन पागल मेरे घर आ गई है, वो घर आ गई कह रही क्लिनिक पे आ गई है। मैं आइंदा दांतों का काम करवाने कहीं भी नहीं जा रही हूँ, बहुत मुश्किल काम है मेरे ख्याल से, दांतों का काम करवाना सबसे मुश्किल है। मेरी बिस्ती कराई उसके सामने इतनी, अब वो पूछ रहा है, वो डॉक्टर पूछती है इसकी एज क्या है, इसकी एज क्या है, ये इतना रो रही है। आप लोग भी कमेंट्स में बताना कि आप लोगों ने दांतों का काम करवाया, आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा है। बाहर बैठे हैं उनका वैसे भी शाप निकल जाए कि ये पता नहीं अंदर बकरा सिपा खा रहे हैं क्या कर रहे हैं, मैं तो अंदर ही नहीं जाऊंगी। ब्लीडिंग बहुत हो रही थी, तो खैर बहुत मसला हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। अब देखते हैं कि आराम आ जाए, जो भी मसला था आप लोग भी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह करे कि आराम आ जाए। मामा तो सख्त खिलाफ थी कि मैं कुछ भी ना करवाऊं, लेकिन बेहतर लग रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि नीचे वाला जो हिस्सा है ना मेरा, उसको कुछ हो गया है। ऐसा लग रहा है मम्मा ने ना मेरी दाढ़ निकलवा दिया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे। वो थोड़ा सा सुनना है ना अभी, वो फिर सही हो जाए। अभी ऐसा ऐसा ठीक होगा, अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और मामा आप कुछ खिला दो, मैंने सुबह का कुछ भी नहीं खाया हुआ। मामा आपने मुझे सुबह नाश्ता भी नहीं करवाया, खाली पेट पे ऐसा जो किया है ना आपने। चलो कुछ खा लें फिर मिलते हैं। देखिए जी
मैं आई थी दांतों का काम करवाने, खाना कुछ खिला दे, नाश्ता करवा दे, ये मैडम मुझे जो है वो शॉपिंग कराने ले आई है। हैं, दर्द को आराम है। हाँ, मतलब दर्द की दवा जो है वो शॉपिंग है। तो ये कुछ ट्राई श्राई चल रहा है, लेट्स सी व्हाट वी बाय। ये वाली जो है ना मुझे पसंद आ रही है। मम्मा आपको कैसी लग रही है ये? अच्छी है। ये ओ भाई साहब डॉन बना दिया है। ये क्या है? ये क्या है? बटन खुला होगा। मैं तो बर्फीला भालू बन गई हूँ, जैसे मैं आई हुई हूँ इंग्लैंड में। हैं, इंग्लैंड आ गई हूँ मैं। ये मामा ने देखनी शुरू कर दी है और मुझे उतारने नहीं दे रही है। मैं उतार लूँ? गर्मी में मेरी जान निकल रही है। अमूमन तो दांतों का काम करवाने के बाद आपको मिलती है कोई ठंडी चीज, जैसे कि आइसक्रीम, क्योंकि यही बचपन से सिखाया जाता है। बट मुझे मिले हैं यहाँ पे फ्राइज, तो इन्हीं से गुजारा कर लेते हैं। लेकिन बैठे बैठे मेरे दिमाग में जो है वो एक आइडिया आया है, वो ये है कि बाकी बहनों को तो नहीं पता कि मेरी क्या सिचुएशन है और मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ है अभी, ठीक है। तो मैंने उनके साथ करना है प्रैंक, जिसमें मैंने एक्ट करना है कि मुझे लगा है एनेस्थीसिया और जिसकी वजह से मैं जो हूँ वो काफी लो हूँ और कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बिल्कुल वैसा ही एक्टिंग करनी है और उनके जो है ना वो रिएक्शन को नोट करना है। बहुत मजा आएगा, लेट्स गो। शिडेन को मेरे साथ भेज दिया था, पापा को भी पता चला। किसको बुलाया मम्मा? इसको बिठा लिया तुम्हारे पियो को। मैंने शिकायत लगानी थी आपको मम्मा की। वरना तेरे को डर नहीं लगता? मैं व्लॉगर हूँ और ना पहले मुझे वो लगा, मैंने इसके रिसर्च किया पूरी, इस पे वो लगाना है आपने। मेरी तो सुनो, उसको इसने कंफ्यूज कर दिया। इन्होंने मुझे खिलाया नहीं कुछ, किसी ने कुछ पिलाया भी नहीं। मुझे तो पकड़ लो, पकड़ लो अली। ये जरा चेक कर लो इसको, अल्लाह माफी दे दे इनको। व्लॉग नहीं रुकना चाहिए, बिल्ली बन जाएगी। इधर चेक कर लो इसको, व्लॉग नहीं रुकना चाहिए। वह मुझे पहुंचा दो, कोई मेरा कैमरा पकड़ ले। मेरे ऐसा लगता है कि उसने ना मेरे सारे दांत निकाल लिए। मम्मा मम्मा उसने, मैंने ये तो नहीं कहा था मामा, उसने मेरे सारे दांत चोरी कर लिए, उसने मेरे सारे दांत चोरी कर लिए। अच्छा किया, सोने के थे ना। मैंने उसे कहा था मेरे दांत नहीं निकालने, उसने मेरे दांत क्यों निकाले हैं? नहीं निकाले बाबा। मम्मा उसने मेरे दांत चोरी कर लिए। नहीं किए, उसने मेरे दांत चोरी कर लिए। माँ मेरी वीडियो से ही बननी चाहिए। मम्मा उसने मेरा मजाक उड़ाया, ये हंसी क्यों है? मम्मा ये हंसी क्यों है मेरे पे? बाजी मैं तो अपने साथ से ही चली गई थी, मैं गई थी अपना काम कराने। मेरा मुंह ऐसा लग रहा है उसने उतार के वहां रख लिया अपने पास और मुझे नकली लगा दिया है। चेक कर लो उसने ना, इधर आओ और मुझको भी बुलाओ। मम्मा मैं दोनों को शिकायतें लगाऊंगी आपकी, आपने सही नहीं कराया। कहती फोन बंद करो, फोन क्यों बंद करो? फोन नहीं करना बंद, इसे कोई आए, इसने मम्मा हाल नहीं पूछा। मेरे चली, किसी ने मेरा हाल नहीं पूछा, ठीक है। आप लोगों ने कमेंट्स में लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और दुआ करना है कि मेरे जो नकली दांत उसने चोरी कर लिए ना वो वापस आ जाए। मम्मा की शिकायत लगाऊंगा आपको। कटहल दिखा, रेंज कर, रेंज कर, रेंज दांत इकट्ठे कर।
उसने सारे मेरे नकली दांत लगा दिए, नकली लग गए, नकली लगा दिए, करो असली बाहर निकालिए, ये देखो कड़ा हो जा, कड़ा नकली, ओदी इंजेक्शन दी स्मेल आनी है। उसने इतनी मोटी सुई लगा दी मेरे दांत के अंदर। उसको मैंने मना किया, भाई थोड़ी चीज लगा, कहता नहीं बाजी आप रो बहुत रही है। इस तरह ही काम, इसका काम है, एक्चुअल काम ही यही है। मेरा उसने उसने मेरे दांत चोरी कर लिए। चलो जो हो गया, वापस जाना। अब मेरे दांत कैसे वापस आएंगे? दांत ऐसे ही महसूस होता है कुछ दिन तक, वो यूज हो जाओगी। नहीं, नकली दांतों की नहीं, यही जो आपके दांत असली है। मेरे दांत असली नहीं है। उसके पास इलेक्ट्रिक आ रही थी, उसने आ रही से मेरे दांत सारे काट दिए। क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी, देखते जाओ बस। ये इसने हालचाल नहीं पूछा, ये मेरे साथ भी नहीं गई, उसने मेरे सारे दांत निकाल लिए सिर्फ इसकी वजह से। अगर ये आई होती तो ना निकालने देती। मम्मा ने मेरे सारे दांत निकलवा दिए नीचे वाले, अगर मैं मजीद हुई थे बैठती ऊपर वाले भी चोरी कर लेता हूँ मेरे। कौन से दांत चोरी? मुंह खोलो, आ करके दिखाओ। नकली हो गए मेरे असली पर्सनल जाती ओरिजिनल दांत थे। मम्मा इसके कौन से दांत निकलवा दिए आपने? कौन से दांत? मम्मा ये तो वहाँ पे टांगे मार रोना। हाँ 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 मैं तो मम्मा एक परसेंट पेन है। हाँ मम्मा, हाँ ये क्या बाकी सिंगल है? करूँ क्या? फटाफट इधर आ, इसके लिए मैं खड़ी हूँ। गिप्पी लो ठंडे बर्फ आद क्यों नहीं आ रहे हो? पाओ फिर शर्मा शर्मा पे समझ ना आया। अल्लाह ही मैंने क्या कर लिया अकेले लाके। इसने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने ना तो देर में लोग बड़े इकट्ठे हो गए हुए थे सारे। मैं बताती हूँ, इसने दरवाजा बंद करा दिया, ये रोए पिटे वो पता के अंदर। मैंने कहा था रोए क्यों? ब्लेड से दांत खुच रहे थे उन्होंने। मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ, पता क्या था? उसने कहा उनके पास उनके पास ना इलेक्ट्रिक आ रही। हाँ तो तुम्हें और के तो और किस चीज से करने थे? मेरा पूरा जबड़ा ऐसे करके तारा निकाल दिया भाई। तो क्या हो गया? अब नकली लगा दी है। इतनी जल्दी नकली लगती है बेवकूफ? नकली लगा दिया उसने मेरा जबड़ा। मैं इस चीज दर्द को महसूस करता, लेकिन तुम्हें दर्द कुछ नहीं हुई है। चल चुप कर जा, कुछ नकली। दूसरा जो बड़ा बैठा हुआ था सीनियर, वो डर के आ गया। वो फटाफट वो जेल लाया, उसने लाके इसके उसने कहा इसको लगाओ इसकी सारी। जब उसने इसके सारी लगा दी तो उसके बाद ये तो कहे बड़ी दर्द बड़ी दर्द बड़ी दर्द। फिर उसने कहा उस पहले उसने कहा अगर तुम्हें इंजेक्शन लगाना पड़ना है उधर, इसने कहा लगा दो अपनी टांगे बांध दो मुझे बेहोश कर दो। इसका ब्लड निकल रहा है, इसका ब्लड बहुत ज्यादा निकल रहा था। मेरा सारा खून निकाल दिया उसको देख जाके, मेरा सारा खून निकाल दिया, मेरा सारा खून निकाल दिया। हां बीपी लो हो गया, मेरे ना खून की बोतल लगवानी पड़ गई। अब इतना खून निकाल दिया, इतना भी ब्लड कभी नहीं किसी का निकलता। इसको हुआ क्या? ब्लड निकला ना, तो गटर खोल दिया। हाय हाय पीपू किधर रखी? हम इसको खाना खाना खिला ले और उसके बाद इसको थोड़ा दिन ऐसे मेडिसिन खाई हुई तो इसको सुला दे। अब शायद इनको बता दे कि ये अच्छा ना। इसको यकीन, पॉप्सी को तो बिल्कुल यकीन नहीं था। पॉप्सी आपको यकीन नहीं था? मतलब उसके इंजेक्शन से मेरा स्क्रू ढीला हो गया। देखो मैं रोई पिटी जरूर थी बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन इंजेक्शन नहीं लगवाया था ना कोई, मैंने दवाई नमिंग की लगवाई थी और उसी की वजह से ज्यादा बुरा हाल हुआ मेरा। दवाई लगवाई थी? नहीं उसने दवाई नहीं लगाई मेरे मुंह में, उसने दवाई लगाई बगैर की है। खोली थी लेकिन लगाई नहीं थी। जब मैंने उसको मना कर दिया ना कि दवाई नहीं लगानी आप रहने दे कर ले, अगली दफा डॉक्टर भी अवॉइड करता कि ना ही आए मेरे को, तो मैं जाऊंगी नहीं अगली दफा। अल्लाह मुझे तौबा, मैं कभी ना जाऊं ना। मजा आया? फिर मजा आया मेरी एक्टिंग का लेवल बताओ, मेरी एक्टिंग का ऐसी एक्टिंग, अल्लाह माफ करे अल्लाह बचाए।
तेरे ना अगला ड्रामा मैं ही करूंगी, ऐसे जबरदस्त सेटिंग कर दी है ना मैंने। अभी सेटिंग का मतलब मैं तुम्हें पता कितनी खोपड़ी तोड़ कर किधर है? खाना दे दो। सच्ची में खाना तो मैंने नहीं खाया। खैर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। प्रैंक करने का बहुत मजा आया और आज का दिन काफी अच्छा था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।